हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीए के बारे में, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नीट के एग्ज़ाम के बारे में। फो नीट के एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा फालतू न्यूज़ वायरल हो रही है, और इस न्यूज़ में था कि एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है एनटीए की तरफ से, ठीक है। लेकिन ये जो था एकदम फेक न्यूज़ थी, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने विश्वास भी किया। जैसा फेक न्यूज़ का देखिए, यहाँ पर ये था, यहाँ पे फेक न्यूज़ का 12 जुलाई से 5 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा था फॉर्म का, और ये था। और इसका जो फॉर्म फीस जो रखा गया था, देखिएगा इसमें दिख रहा है 1500 रुपये, और ST SC OBC EWF का 1400 रुपये, और EWF OBC का 1400 रुपये, और ST SC का जो है 800 रुपये। तो ये फर्जी न्यूज़ यहाँ पे ये वायरल हो गई थी। और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे करप्शन का लास्ट डेट जो है 15 अगस्त रखा गया है, इसी तरह यहाँ पे फरी डेट रखी गई है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, और ये आज कल की न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है 2:52 PM पे ही ये वायरल हुआ था ये न्यूज़। एग्ज़ाम डेट पर फैसला होना अभी बाकी है, अप्लीकेशन फॉर्म जल्द जारी हो सकते हैं। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम डेट कब तक आएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एनटीए नीट 2021 एग्ज़ाम नोटिस को फर्जी बताया है। एनटीए ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा नोटिस नकली है, तथा एजेंसी की तरफ से अभी एग्ज़ाम डेट की कोई घोषणा नहीं की गई है। वायरल हो रहे फर्जी नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2021 को वर्तमान कोरोना की स्थिति को देखते हुए अब 5 सितंबर के लिए रिशेड्यूल किया गया है। मतलब ये 5 सितंबर के बाद ही कुछ कहा गया है। इस जो नोटिफिकेशन है, ये जो न्यूज़ वायरल हुआ है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस पर जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप यहाँ पर जाके अपना ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और इस तरह के फर्जी न्यूज़ों से आप लोग बच के